नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंजर न्यूज 24 और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा सावन के महीने में अधिक संख्या में मंदिरों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के मद्देनजर शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च कर मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा। पुलिस अधीक्षक बांदा अभिनंदन द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण एवं शहर में शांति का माहौल बनाए रखने हेतु लगातार भारी पुलिस बल के साथ शहर के प्रमुख चौक चौराहों, मिश्रित आबादी एवं भीड़भाड़ वाले तथा संवेदनशील स्थानों पर पैदल मार्च किया जा रहा है। सर, याद किस तरह गश्त किया गया है, कहां जा रहा है? देखिए, अभी सावन का महीना चल रहा है और लगातार जो शिवालय हैं उनमें भीड़ हो रही है। इसी के दृष्टिगत हम लोग जितने भी शिव मंदिर हैं उनमें हम लोग भ्रमण करके वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा ले रहे हैं। इसके अलावा जितने रूट हैं हमारे जहाँ से संभावित कांवड़िए गुजरते हैं उनको भी देखा जा रहा है। वहाँ पर क्या पुलिस डिप्लॉयमेंट है, क्या पेट्रोलिंग व्यवस्था है, इसको देखा जा रहा है। और इसके साथ ही आज हम लोगों ने यहाँ जो बांदा रेलवे स्टेशन है उसका भी एक औचक निरीक्षण किया कि कहीं कोई असामाजिक तत्व तो या अपराधी किस्म के लोग यहाँ पर तो नहीं है। प्रॉपर फोर्स के साथ जीआरपी और आरपीएफ के साथ हम लोगों ने इसको चेक किया है, कोई भी आपत्तिजनक व्यक्ति या वस्तु नहीं मिला है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।